हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं कंप्यूटर जीके का पार्ट टू लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पर बेस्ड है, ये कंप्यूटर की हिस्ट्री पर और कंप्यूटर के बेसिक पर बेस्ड हैं। ओके, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इज़ अ, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन, स्पेनिश। तो इसका आंसर है लैटिन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से बना है, वहाँ से डराइव किया गया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आईसी। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप होती है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप। तो आईसी इज मेड अप ऑफ, आईसी किसकी बनती है। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर्स। जो इंटीग्रेटेड चिप होती है वो ट्रांजिस्टर की बनी हुई होती है। ओके, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बना था, सबसे पहले कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी, उस कंप्यूटर की स्पीड जो नापी जाती थी वो स्पीड होती थी माइक्रो सेकेंड्स में। ओके, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन माइक्रो सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, टाइम को शेयर करने का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हुआ। तो जो टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुई थी वो सेकेंड जनरेशन में पॉसिबल हुई थी। ओके, तो कंप्यूटर की जो बनने की हिस्ट्री है उसमें सेकेंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो आपको पता है कि कंप्यूटर इनपुट भी कर सकता है, ठीक है, आउटपुट भी प्रोवाइड कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है डेटा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो परफॉर्म नहीं कर सकता है, कैन नॉट परफॉर्म, थिंकिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। इसके ऑप्शंस देखिए, इंटरनल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में इंटरनल डिवाइसेस होती हैं जिस पार्ट से वो बनता है। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कंप्यूटर से अटैच की जाती हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, बाहर से उसमें लगाई जाती हैं। सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, तो ये सारे ही कंप्यूटर का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जन्मदाता किसको बोलते हैं, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस भले ही इंग्लिश लैंग्वेज में हैं बट मैं आपको इसको हिंदी में भी साथ में बताती जा रही हूँ ताकि जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। जब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बना तो उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो लैंग्वेज सिर्फ एक मशीन को ही समझ में आ सकती थी, ठीक है, उसे एक नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता है, वो होती है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो इसका आंसर सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए कि फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। तो इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन ही पाँच थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि
कंप्यूटर का साइज किस जनरेशन में लार्ज था? तो ये कंप्यूटर की जनरेशन को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये पता चलेगा आपको कि जैसे ही कंप्यूटर बना था फर्स्ट जनरेशन में, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाया गया था उसका साइज सबसे ज़्यादा लार्ज था। तो सेकेंड जनरेशन में जब उसको बनाया गया, जब सेकेंड जनरेशन आई, तो उसी चीज़ उसी ड्रॉबैक को उसको रिड्यूस किया गया था कि अब इतने लार्ज साइज के कंप्यूटर ना बने। ओके, तो सबसे लार्ज किस में था? फर्स्ट जनरेशन में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड था या किस से बना हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज़। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब है जो पुराने टाइम पर कैलकुलेशन के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता था। तो आपने सुना होगा कि पुराने टाइम पर कैलकुलेशन के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता था, ABACUS, अबेकस का यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन के लिए पहले, जिसमें एक सेट होता था जिसमें कुछ छल्ले पड़े हुए थे डंडियों में और उसके थ्रू काउंटिंग की जाती थी। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है जिसको किसी भी लैंग्वेज में चेंज ना किया जाए, उसको डायरेक्ट कंप्यूटर को अगर दिया जाए तो वो डायरेक्ट समझ लेगा। तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेसिक लैंग्वेज, असेंबली, हाई लेवल, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था स्टार्टिंग में, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबेकस कैन परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर फोर्थ ऑप्शन है बोथ वन और टू या ऑल ऑफ दीज। तो जो अबेकस डिवाइस थी वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही परफॉर्म कर सकती थी, तो कैलकुलेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन के अलावा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकती थी। तो इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, आईसी को किसने डेवलप किया? तो आईसी को डेवलप किया था आपका JS किल्बी ने। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आंसर है JS किल्बी, जिन्होंने इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़। तो बताया था मैंने कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो किस में नापी जाती थी? माइक्रो सेकेंड में। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है? नैनो सेकेंड में नापी जाती थी। ठीक है, 10^-9। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दैट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में यूज़ की जाती थी, किस जनरेशन का एग्जाम्पल है, और इसमें पाँचों जनरेशन दी हुई हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है, सबसे लास्ट वाली जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये होता है कि आप एक ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस होती है वो एक मशीन में आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर दो, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये काम रोबोटिक्स के इक्विवेलेंट होता है कि आपने एक रोबोट बनाया जिसके अंदर ह्यूमन के इक्विवेलेंट इंटेलिजेंस आ गई, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये रोबोटिक्स का जो काम होता है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। इसका आंसर है क्रे 1, CRAY 1, ये है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो जो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था UNIVAC, आप ये याद रखो, UNIVAC, ये शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ। तो जो चिप यूज़ की जाती है कंप्यूटर में वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज। तो जो आपके घरों में यूज़ होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसको PC भी बोलते हैं, PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ओके, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू मीट द
कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन, ऑप्शन है इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट, कंपनी, सिटी और वर्ल्ड। तो साफ सी बात है कि पर्सनल कंप्यूटर है तो एक ही पर्सन की, एक इंडिविजुअल की ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्यूटर जीके के बेसिक के। ये इतने इजी क्वेश्चन है कि अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से सुन लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और इसमें मैंने साइड में ये लिखा भी हुआ है कि कौन सा IBPS PO में पूछा गया है, कौन सा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पूछा गया है, कौन सा किस ईयर में आया है ये क्वेश्चन। तो ये मोस्टली क्वेश्चन इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन किया है जो अभी तक आए हैं। और कंप्यूटर तो आपके लिए एक ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप ये सारे वीडियो सुनते जाते हो, जिसमें मैं आपको लाइन से एक एक क्वेश्चन कराऊंगी जो भी आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।